Hello friends, myself Shahid Sayyed and I am the owner of GST SEVA KENDRA.in. First of all, welcome to my channel. Aaj hum log discuss karenge circular number 10/2020 dated 23rd of March 2020. Ab ye circular kis pe? Companies Act pe. Matlab ROC pe, ROC se related circular hai. Income tax aur GST bahut din se income tax aur GST chal raha tha. ROC se related bhi circular dekhna bahut zaruri hai. तो ये जो सर्कुलर आया स्पेसिफिक सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट मतलब सीएसआर एक्टिविटीज पे आया हुआ है. अब सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 में ये प्रोविजंस नहीं था. ये कंपनीज एक्ट 2013 में न्यू प्रोविजंस इंसर्ट किया गया कि कॉरपोरेट की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एलिजिबल कंपनीज उसमें डिफाइन किया सेक्शन 135 में जो एलिजिबल कंपनीज है वो कॉरपोरेट को कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ एथिक्स फॉलो करना है एज अ सोशली. तो वो बहुत सारी चीज़ें मेंशन है. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो सेक्शन देख सकते हैं. एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी है उसमें तीन कंडीशंस दिया हुआ है. मतलब और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करती है कंपनीज चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है और जो परसेंटेज बताया गया उतना एक्सपेंडिचर उसको एनुअली उस कंपनीज को करना है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर कंपनीज का नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ है. सेकंड कंडीशन क्या है अगर उसका टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ है. और थर्ड कंडीशन है कि अगर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के अबव है तो वो कंपनीज एलिजिबल कंपनीज होती है. उनको 2% ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 मंथ मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर उनको कितना एक्सपेंडिचर करना है 2% ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट. मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे एवरेज निकालेंगे एवरेज का 2% उतना वो कंपनीज को एक्सपेंडिचर करना रहता है. अब ये सारी चीज़ मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि वो सर्कुलर इसी से रिलेटेड है. शेड्यूल 17 में बताया गया कि किस मतलब कौन कौन से एक्टिविटीज़ है जो सीएसआर में आती है आपको कौन कौन सा एक्सपेंडिचर करना है जो सीएसआर एक्टिविटीज़ में आते हैं वो किस में दिया शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में मेंशन है. तो ये सर्कुलर बताया कि शेड्यूल 7 का जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है वही ये बोलता है कि अगर आप कोविड-19 से रिलेटेड यानी इस पर अगर आप एक्सपेंडिचर करती है कॉरपोरेट कोविड-19 के रिलीफ के लिए अगर एक्सपेंडिचर करती है तो वो सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा और वो जो सीएसआर एक्टिविटीज़ के जो कंप्लायंस हो वो सारे कंप्लायंस कंप्लीट होंगे. मतलब अगर कॉरपोरेट कोविड-19 से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर करती है यानी कुछ मेडिकल रिलीफ्स देती है या तो उस मेडिकल रिलीफ दे रही है या तो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है कि उसका वो वैक्सीन बना सके या कुछ उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कर रही है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड कोविड-19 से रिलेटेड कंपनीज कोई भी एक्सपेंडिचर करती है तो वो एक्सपेंडिचर को मानते हैं कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सपेंडिचर में काउंट होता है. तो ये प्रोविजन ये सर्कुलर इस पर डिफाइन है. तो अगर आपकी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एलिजिबल है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर करिए जो कोविड-19 से रिलेटेड यानी या तो आप कोई फंड या कुछ एक्सपेंडिचर ऐसी करिए जो इसमें जूझ रहे जिनको बहुत सारे लोग ऐसे जिनको खाना पीना जो डेली के जो मजदूर है जो बेचारे जो डेली काम करते हैं डेली उनका मतलब जो बिना जाए उनका कुछ काम नहीं होने वाला है फिक्स सैलरी पे भी नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे लोग या तो कोई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकते उसमें अगर एक्सपेंडिचर करना चाहते तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है. तो मेरी कॉर्पोरेट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो ये सारे एक्सपेंडिचर मतलब उसमें बहुत सारी शेड्यूल 7 में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिया कि अगर ये एक्टिविटीज़ में आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो एलिजिबल एक्सपेंसेस माना जाएगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. अब वो एलिजिबल एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटीज़ में ही ये आ रहा है यानी ये सर्कुलर में ही बता दिया कि अगर आप इससे रिलेटेड कोविड-19 से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करते हो तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हो. तो मेरी रिक्वेस्ट है जितना हो सके अगर आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा है आप इसमें एक्सपेंडिचर करिए
और सोशली मतलब कॉरपोरेट को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसमें आप पार्ट लीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और हो सके तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस इतना ही था, ये सर्कुलर आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।